और अब बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। पाकिस्तान सिर्फ अपनी ही हालात में नहीं उलझा, बल्कि भारतीय संसद में लगे एक मानचित्र से भी उसकी धड़कनें बड़ी हुई हैं। और ये मैप है अखंड भारत का, जो कल से पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। ये तब के भारत का नक्शा है जब ना पाकिस्तान था और ना ही इस्लाम। लेकिन आज पाकिस्तान जब खुद टूटने की कगार पर पहुंच गया है, तो वो इस नक्शे से डर गया है। उसे डर सता रहा है कि कहीं भारत वाकई कब्जा तो नहीं कर लेगा। और भारत से आवाज उठ रही है कि कहीं अखंड भारत की शुरुआत पीओके से तो नहीं होगी। पूरी रिपोर्ट आप यहां देखें। देश की नई संसद वैसे तो पूरी ही दिव्य और भव्य है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिर्फ एक चित्र की चर्चा हो रही है, और वो है ये। देश की नई संसद में अखंड भारत के नक्शे का एक भित्ति चित्र बना हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक भारत के नक्शे में दिखाया गया है। वैसे ये नक्शा सम्राट अशोक के समय का है, जब न पाकिस्तान था, न अफगानिस्तान था और न इस्लाम था, सिर्फ भारत था, संपूर्ण और अखंड। नई संसद में दिखा अखंड भारत का सपना, पाकिस्तान ने शुरू किया गजबाए हिंद जपना। अगर वो कहते हैं सब एक हो जाएगा, अगर वो मुसलमान हो जाए, हमारे इस्लाम को कबूल कर ले, तो वो एक हो सकता है, वरना वो कह सकता है, हम तो नहीं कह सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गज़वा हिंद होगा, और जो वो ज़रूर होगा, हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा, और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान से। बस यही तो समस्या है पाकिस्तान की, कि वो हकीकत से मुंह चुराता है। पाकिस्तान का जन्म तो 1947 में हुआ, उससे पहले वो भारत का ही हिस्सा था। 1947 से पहले जो आज का बांग्लादेश है, वो भी भारत का ही हिस्सा था। यानी सिर्फ 75 साल पहले भी भारत इतना विराट होता था, और उससे कहीं पहले, जब न इस्लाम था, न पाकिस्तान और न अफगानिस्तान, तब भारत अखंड था, कंधार से लेकर कामरूप तक। और यही कॉन्सेप्ट देश की नई संसद में दर्शाया गया है, जिस पर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले, इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था, और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गो बैक इन टू द पास्ट, हम वो रिससिटेट करना चाह रहे हैं। हालांकि जो मैप अखंड भारत का बनाते हैं, वो ऐसा ऊपर आसमान से बनकर खुदा ने रिवील नहीं किया, दैट वाज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मौर्यज ने कॉन्कर किया था, दूसरे उससे पहले गुप्ताज ने भी बाद में उसको एक्सपैंड किया था। सो डिफरेंट डायनेस्टीज हैव कॉन्करड एंड एक्सपैंडेड इंडिया। सो वो मैक्सिमम साइज जो इंडिया का था कभी, उसको इंडिया भी नहीं कह सकते, द किंगडम्स दैट वर देयर एट दैट टाइम, उसका मैप है वो। पाकिस्तान के मीडिया और यूट्यूब के चैनलों पर उनके बड़े बड़े पत्रकार सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत के इस नक्शे को डिस्कस कर रहे हैं, और आशंका जता रहे हैं कि कहीं भारत फिर से अखंड बनने की तैयारी तो नहीं कर रहा। नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है, और वो है अखंड भारत का म्यूरल, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख में जाएं, सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था, जो अब इस का हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है, जो नक्शा है वहाँ पर, उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही, आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजाइम है कि आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है।
तो उसमें ये बात सामने आई, यानी हमारी तरफ से तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा डरी हुई है, अंदर से वो खोखले हैं। उन्हें पता है कि धर्म की बुनियाद पर उन्होंने मुल्क तो बना लिया लेकिन वो सफल नहीं रहा। अब अखंड भारत की बात सुनते ही वो गजबाए हिंद जपने लगे हैं। वहाँ पे अखंड भारत की बात हो रही है, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, मतलब उनके सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये सब एक दिन इकट्ठा हो जाएगा। आप कहते हैं यहाँ पे हम मुजाहिद हैं और गजवाए हिंद की बात करते हैं। अगर वो कहते हैं सब एक हो जाएगा, अगर वो मुसलमान हो जाए, हमारे इस्लाम को कबूल कर लें तो वो एक हो सकता है, वरना वो कह सकता है, हम तो नहीं कह सकते। हमारा पाकिस्तान आज भी खड़ा और इंशाल्लाह ये खड़ा रहेगा। ये मुसलमान लोग हैं, हम उसके खिलाफ तब बोलेंगे जो जब हमारे खिलाफ वो बोलेंगे। मुल्क टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एक साइड पे मुल्क टूटता नजर आए, दूसरी साइड पे हम गजवा हिंद की बात करें, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे लोग जो बात गजवा हिंद, गजवा हिंद अकेली अकेली जमात ने नहीं लड़ना, मिल्ली मुस्लिम लीग नहीं लड़ेगी, पीटीआई नहीं लड़ेगी, गजवा हिंद आप भी शामिल होंगे। हम हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि गजवा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये गजवा हिंद हमारी जिंदगियों में आए, हमारी जिंदगियों में आएगा तो हम अपने नबी की सुन्नत का अमल करते हुए इंशाल्लाह कुफार की ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह इस्लाम का परचम लहरा के छोड़ेंगे। गजवा हिंद यानी पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का कब्जा, दावा है कि ये सब हदीस में लिखा हुआ है, इसीलिए हर पाकिस्तानी सिर्फ गजबाए हिंद का सपना देखता है, भले ही पेट में भूख हो, दाने दाने को मोहताज हो, हुक्मरान भीख मांग रहे हो, लेकिन यहाँ दिन रात गजबाए हिंद की अफीम चल रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गजबाए हिंद होगा और जो वो ज़रूर होगा, हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है, हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है, मशरक किस चीज़ की, वो गजवा हिंद की खुशबू आ रही है। ठीक है, हाँ। अच्छा यहाँ पे अगर आज हम गजवा हिंद की बात करते हैं, हमारे हमसाया कंट्री इंडिया में अखंड भारत की बात की जाती है, फिर यहाँ पे मसले नहीं आ जाते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम लेंगे, बांग्लादेश को भी, अगर ऐसी बात होती है तो हम भूले हुए हैं और उसे भूले हुए लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सबक याद दिला रहे हैं कि तुम एक कौम हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की वजह से एक हो, बिला रंगो नस्ल, बिला रंगो नस्ल तुम एक हो और एक हो जाओ, इसीलिए ये इकट्ठ हुआ है। अच्छा, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तानी इस अखंड भारत के नक्शे से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने हालात का बहुत अच्छे से अंदाजा है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जंग छिड़ी है, खैबर में भी पश्तूनों ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, सिंध में भी अलग होने के लिए आंदोलन चल रहा है, पीओके में भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ रही है, इसीलिए पाकिस्तानी डरे हुए हैं कि अब तो भारत की संसद में अखंड भारत का नक्शा टंग गया है तो कहीं इसकी शुरुआत पीओके से तो नहीं होगी, क्योंकि अखंड भारत में ऐसा तो नहीं होगा कि तुरंत पाकिस्तान पर हमला करके उसे अपने में मिला दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत ये जरूर हो सकती है कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए और इसके संकेत आने भी शुरू हो गए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो, वे मांग वहां पे उठने लग गई है। पाकिस्तान के हालात दुनिया से छिपे नहीं हैं। आवाम दाने दाने को मोहताज है और सियासी पार्टियां एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं। एक तरफ इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और फौज है, सब आपस में भिड़े हुए हैं और आवाम भूखों मर रही है। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं।
ठीक है, और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे। इसीलिए तो तुलना हो रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे थे, एक तरह की गरीबी थी, एक जैसी समस्याएं थी, लेकिन आज भारत कहां निकल गया और पाकिस्तान कहां गर्त में डूब गया। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है, 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है, यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चल रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया, उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है, एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दरिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो पाकिस्तान और भारत की तुलना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुलना सिर्फ भारत में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपको पता है क्या कहा मोदी को, उसने कहा मोदी यू आर बॉस। अब आप सोच लें आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तानी भी भारत से अपने हालात को कंपेयर करते हैं और फिर खुद की किस्मत को और अपने हुक्मरानों को कोसते रहते हैं। किसी भी मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं रही। इसीलिए जब वो भारत की नई संसद को देखते हैं तो सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ और नहीं कह पाते। जमहूरियत वाले मुल्क में जहां पार्लियामेंट के पास पावर रहती है, ये उनका दिखाया जा रहा है। अब इससे ज्यादा हमारे मुल्क के जो है वहाँ की पार्लियामेंट भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और पार्लियामेंट इतनी प्यारी भी नहीं है। इस पर क्या करें, जबरदस्त कहें या अफसोस का इजहार करें? अफसोस क्यों? अफसोस ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें नहीं है ना। पाकिस्तानियों को पता है कि उनकी भारत से कोई तुलना नहीं है। भारत हर रोज विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है, नई संसद बन रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां लोग अपने ही मुल्क की संपत्तियों को जला देते हैं क्योंकि एक नेता गिरफ्तार हो जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हम यहाँ अपने असासों को अपने हाथों से आग लगा रहे हैं, कभी हम कोर कमांडर के घर को जला रहे हैं, कभी हम अपना जो है रेडियो पाकिस्तान को आग लगा रहे हैं, और इंडिया जो है वो नए पार्लियामेंट बनाने में मसरूफ है और हम अपने बने बनाए असासों को आग लगा रहे हैं। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि बात असासों की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि आपका जो है मुल्क का एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। जैसे इस मुल्क की डेमोक्रेसी है, ना मुझे रूलिंग पार्टी से कोई शिकायत है, ना मुझे अपोजिशन पार्टी से शिकायत है। शिकायत सिर्फ यह है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह भी निज़ाम कंट्रोल हो रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो करेंसी हमारी डाउन जा रही है, मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है और गरीब तबके के लिए रिहाइश मुश्किल हो रही है। अफसोस करूंगा इस बात पे, क्योंकि देखें दोनों कंट्रीज़ की आज़ादी बिल्कुल एक साथ हुई है, 75 ईयर्स हो चुके हैं दोनों की आज़ादी को, लेकिन इंडिया आज कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर घुसे हुए हैं कि नवाज शरीफ सही है या इमरान खान सही है? गद्दार कौन है? आर्मी गद्दार है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गद्दार हैं? किसी को कुछ नहीं पता। हमारी सड़कें जो हमारे लोग 9 मई का वाक्य आपके सामने कि क्या हुआ है 9 मई को, ये ना मेंटेलिटी उन लोगों की बहुत आगे, आईटी में वो हमसे आगे हैं हर चीज़ यार। हम उन्हें हरा सकते हैं तो सिर्फ एक क्रिकेट मैच के अंदर, और हम उनके एक्टर्स को फॉलो कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, हम उनके मुकाबले में नहीं है। ये मुकाबला मैं तो कहूँगा अगर छोड़ ही दें तो बेहतर है। इंडिया की वैल्यू वहाँ पर है, हमारी क्या वैल्यू पाकिस्तान की? पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वो फर्क तो समझ में आता है जो उन्हें दिखता है, लेकिन जो दिखता नहीं है वही फर्क सबसे अहम है, और वो फर्क है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, भारत ही दुनिया में लोकतंत्र की जननी है, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और पाकिस्तान में फौजी जनरलों ने इस लोकतंत्र को अपने बूटों से कुचला है। अपने मन के मुताबिक इन जनरलों ने लोकतंत्र की हत्या कर पाकिस्तान को फिर से अपना गुलाम बनाया है, और जब कोई सीधा तख्ता पलट करके हुकूमत नहीं करता तो फिर सामने मोहरे बैठा कर पीछे से सरकार चलाता है, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है।
भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।